हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित शर्मा और मैं अजीम प्रेम जी स्कूल दिनेशपुर में साइंस टीचर के रूप में काम करता हूँ। एक टीचर होने के नाते हमें रोज़ बहुत सारी चीज़ों से रूबरू होना पड़ता है, जैसे कि बहुत सारे मासूम बच्चे जिनकी क्षमताओं का हम अंदाज़ा शायद नहीं लगा सकते हैं कभी भी। ऐसा ही वाक्या मेरे साथ, एक नहीं दो या तीन ऐसे वाक्य हुए जो कि मेरे दिल को बहुत छूते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि मैं अपनी क्लास का आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। मेरी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि प्राइमरी स्कूल से आए हुए हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो कि ड्रॉप आउट्स हैं। इन लोगों के साथ में काम करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये लोगों का घर से भी कोई सपोर्ट नहीं है। ज़्यादातर इनके पेरेंट्स डेली वेजेस लेबर हैं जो कि फैक्ट्रीज में काम करते हैं और वो बच्चों पर शायद इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग उनके साथ में काम कर रहे थे और धीरे धीरे बहुत वो इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन तभी भी मेरे क्लास में चार बच्चे ऐसे थे जिनके साथ में हिंदी पढ़ने लिखने को लेकर काफ़ी दिक्कत थी। वो पढ़ नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे, तो और वो शायद दूसरे बच्चों को ऐसा करते हुए देखते थे तो उससे उनको शायद लगता था कि हम काफ़ी कम हैं, तो इससे इसका प्रभाव उनके प्रदर्शन पर भी पड़ता था। वो कम बोलते थे, क्लास में चुप रहते थे। तो मेरे को लगा कि मैं एक साइंस टीचर होने के नाते ऐसा क्या कर सकता हूँ कि इनको भी सब लोगों के बराबर इक्वल चांस मिले पढ़ने और सीखने का। तो उसके लिए मैंने कुछ काफ़ी विचार मंद अपने आप को विचार किया और अपने साथियों से इस पर काफ़ी बात की, तो उससे बात निकली कि हम अगर एक्टिविटी के थ्रू कुछ काम करें तो शायद उनका हम कॉन्फिडेंस वापस ला सकते हैं। लेकिन इसमें मेरे को उनके साथ में मैंने उनके बात की, उनसे अलग से चारों से अलग अलग बात की, तो मेरे को खाली एक ही प्रॉब्लम नज़र आई। मेरे को ये नहीं लगा कि वो बच्चे सीख नहीं सकते, मेरे को लगा बच्चे सीख सकते हैं, लेकिन उनको सीखने के लिए उस एनवायरनमेंट में लाने के लिए उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उनको जताना होगा कि तुम भी कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। तो इसी के नाते मैंने कुछ एक्टिविटी सोची। मेरा उस टाइम पर एनिमल्स हैबिटेट चल रहा था कि एनिमल्स का जानवरों का निवास स्थान, तो उसमें बच्चों से बात करने के बाद डिस्कशन करने के बाद काफ़ी कुछ बच्चों के समझ में आ गया था, लेकिन मैं उन बच्चों का असेसमेंट की तरह करना चाहता था कि वो कितना समझ में आ रहा है उनको। बात की हमने, हम लोगों ने यहाँ पर एक बात दीगर है कि वो बातचीत अच्छी तरह से करते हैं। एक टीचर होने के नाते मेरा ये जिम्मेदारी है कि मैं उनसे रिलेशन बनाऊँ, तो उस रिलेशन को बनाने के लिए मैंने बहुत काम किया। मैंने कार्टून भी देखे ताकि मैं उनसे बात कर सकूँ, उस कार्टून के ऊपर बातचीत की शुरुआत कर सकूँ। मैं उनके साथ खेला भी जिससे कि वो खेल के थ्रू ही मुझसे बात करना सीखे, और ये प्रयास कामयाब भी हुए। अब वो मेरे से खुलकर बात कर सकते थे हमेशा। तो जब मैंने उनसे बात की तब मुझे लगा कि हाँ यार, ये सीख सकते हैं बच्चे। तो अब मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उनको किस तरह से असेस करूँ, किस तरह से देखूँ कि ये कितना सीखे और मैं और क्या प्रयास कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर उनसे लिखने और पढ़ने की बात करता, जो कि आजकल हमारे विद्यालयों में एकमात्र असेसमेंट का टूल है कि लिखना, आप एक टेस्ट पेपर दे दीजिए और उसे लिख कर हम असेसमेंट करते हैं, तो उसमें शायद वो उतने अच्छा ना कर पाते और उससे उनका कॉन्फिडेंस जो थोड़ा बहुत बढ़ा था वो लो हो जाता। तो मैंने एक एक्टिविटी सोची, उस एक्टिविटी में मैंने सब बच्चों से पांच पांच जानवरों के चित्र बनाकर लाने के लिए बोला, और उसमें जलचर, थलचर, उभयचर और नभचर चारों टाइप के जानवर थे, और पूरी क्लास को मैं अपने हॉल में लेकर आया। हॉल में मैंने उनको एक सर्किल में बिठाया, और इसमें सर्किल में मैंने पूरी क्लास को बिठाया, ऐसा नहीं कि उसमें ऐसे बच्चे भी थे जो लिख पढ़कर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि इन चारों को अगर मैं अलग करूँगा तो इनको कहीं ऐसा ना लगे कि मैं अलग हूँ। तो इस चीज़ के लिए, इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे बच्चों से ही वो एक्टिविटी कराई, जिससे कि उन्हें लगे कि मैं भी क्लास का हिस्सा हूँ, मुझे क्लास से अलग नहीं किया जा रहा है। अगर मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता है तो भी मुझे कोई वो क्लास से अलग नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनको बिठाया और मेरा मेनली फोकस उन चार बच्चों पर ही था, क्योंकि और बच्चे जो थे वो वर्कशीट में और लिख पढ़कर कर सकते थे। तो अब हमने शुरुआत किया। सबसे पहले देव बैरागी आया, देव बैरागी ने एक चिट उठाई और उसमें मैंने थोड़ा उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि नंबर एक पर मैंने एक जमीन का चित्र बना दिया था जो कि इंडिकेट करता था थलचर के लिए, नंबर दो पर मैंने पानी का चित्र बना दिया था जो इंडिकेट करता था जलचर के लिए, नंबर थ्री पर ऐसे ही बादल का चित्र बनाया, और चार पर एक जमीन और पानी का चित्र बनाया जो कि क्रमशः नभचर और उभयचर को इंडिकेट करते थे, और साथ में एक दीवार पर मैंने 1, 2, 3, 4 की चिट चिपका दी, जिसका मतलब ये, और उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए पहले सर्किल में बिठाकर कि आपको एक चिट उठानी है, जो जानवर आपके पास आएगा आपको देखना है कि वो कहाँ रहता है।
और उस जाकर वहाँ बिना बोले उस जगह पर जाकर खड़ा हो जाना है। इस जगह पर लिखने और पढ़ने की जो कंपटेंसी है, जो कौशल है, उसका सबसे कम यूज़ हो रहा था। लेकिन मेरा मेरा मकसद यहाँ पर लिखना और पढ़ना देखना नहीं था, मेरा मकसद है कि जो मैं बच्चों को पढ़ाया क्या वो उनको समझ में आया, असेसमेंट उनका जो एक फेयर असेसमेंट हो सकता था वो यहाँ पर हो रहा था, तो मेरा लक्ष्य पूर्ण हो रहा था। तो सबसे पहले देव बैरागी, जो कि मेरी क्लास में पहला बच्चा था जो कि लिखने पढ़ने में दिक्कत महसूस करता है, उसने उठाया, उसने अपना चित्र देखा, उसके चित्र में जो आया उसने जाकर वो उस वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया। फिर दूसरे नंबर पर राजकुमार आया, उसने भी ऐसे ही किया, देखा और समझकर वहीं पर जाकर खड़ा हो गया। और मुझे इतना अच्छा लगा उन दोनों के बाद कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार कि मैं हम लोग क्या समझते हैं और बच्चे कितना कुछ कर सकते हैं, और मुझे अपने ऊपर भी थोड़ा गर्व हुआ कि हाँ यार तुमने सही एक्टिविटी ली है। उसके बाद हमने तीसरे नंबर पर नेहा सिन्हा आई, और वो भी जाकर सीधा उसे बिल्कुल सही तरीके से अपने चिट उठाई और उस जो जानवर उसकी चिट में आया था उस जगह पर जाकर खड़ी हो गई। नंबर चार पर अनीता आई। अनीता एक सबसे ज़्यादा उसमें इन तीनों में सबसे ज़्यादा मेरे को लगता था वो बिल्कुल बात ही नहीं करती है, बाकी तीनों तो बहुत बात भी करते थे लेकिन वो क्लास में भी चुप रहती थी। उसने एक चिट उठाई और उसको काफ़ी देर तक देखती रही, उसने देखा और उसमें उसको देखने के बाद उसमें मैंने जाकर 5-10 मिनट हो गए वो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैंने उसको जाकर देखा वहाँ पर तो उसमें मछली बनी हुई थी लेकिन मैंने उसको कुछ बोला नहीं, तो वो काफ़ी देर तक देखती रही। फिर मैंने पूछा इसमें पता चला आपको क्या है ये, तो उसने बोला कि हाँ पता चला मेरे को, तो उसने उस मछली को बोला कि ये कछुआ है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो कछुआ है लेकिन ये रहता कहाँ पर है, तो उसने बोला कि पानी में रहता है सर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो पानी में रहता है, ये तुमने बिल्कुल सही बताया है, उस चीज़ के लिए मैंने उसका अप्रिसिएशन किया। मैंने वहाँ पर उसको मैंने सोचा कि चलो ठीक है इसने इस तरह का ऑब्जर्वेशन तो अपना कनेक्ट किया कि कछुआ पानी में रहता है, हालांकि मुझे पता है और सब लोगों को पता है कि वो ज़मीन पर भी रहता है और पानी में रहता है, एक उभयचर है, लेकिन क्या उस टाइम पर उसको बोलकर उसने जो किया है उसको अप्रिशिएट ना करते हुए उसने जो नहीं किया उसके लिए उसको कर्ज करना चाहिए था मेरे को, ये सोचते हुए मैंने सोचा ही नहीं जो उसने किया है वो चीज़ अप्रिशिएट करूँ। तो मैंने उसको कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया है और अच्छा तुम आगे कर सकती हो ऐसा करके, मैंने उसको उसमें विश्वास लिया और उसकी जो मुस्कुराहट थी उस टाइम पर वो देखने लायक थी और जो विश्वास में धीरे धीरे आया था। इस तरह से मैं उन चारों बच्चों में से तीनों ने बिल्कुल सही किया और एक अनीता ने काफ़ी हद तक सही करने का प्रयास किया। मेरे लिए वो प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होकर उस चीज़ की तरफ सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि सीख जाना, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रोसेस है जो कि चलती रहती है। तो इस इंसिडेंट को मैं आपसे शेयर करना चाहता था और यही बात कहना चाहता था कि शायद कई बार हम बच्चों को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं और कई बार हम सोचते हैं कि ये शायद कुछ नहीं सीख पाएगा, लेकिन एक बार विश्वास करके तो देखिए, उनको विश्वास में तो लीजिए, क्या पता वही आपके आगे जाकर आइंस्टीन और एडिसन बन जाए। धन्यवाद। वंडरफुल वंडरफुल सर, थैंक यू।